गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, यू वेलकम ऑन अनदर चैप्टर। द चैप्टर इज हीट। यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर हीट के बारे में कि भाई आज हम डिस्कस करेंगे कि हीट जो होती है किस तरीके से आपकी फ्लो होती है एंड हीट से आप किस तरीके से सेंस करते हैं, अनुभव करते हैं। ओके, आपकी जो हीट होती है यानी कि कहीं भी गर्म जगह होती है, हॉट जगह होती है, कोल्ड जगह होती है, तो उस जगह जो सेंसिटिविटी होती है हमें वो क्या होती है, आपकी हीट की सेंसिटिविटी होती है। ओके, यानी कि हम अलग अलग सीजन के में अलग अलग आपके क्लोथ पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई सर्दी में गर्मी के कपड़े पहनते हैं, गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो कॉटन क्लोथ होते हैं, यानी कि जो कॉटन के बने हुए जो कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट फाइबर से मिलते हैं। ओके, और जो प्लांट फाइबर से हमें ये मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म इन समर, यानी गर्मी में कैसे होते हैं, ये आपके गर्म होते हैं। यानी कि कॉटन फाइबर जो होते हैं ये हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। ओके, यानी कि जो प्लांट फाइबर होते हैं ये समर में कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, यानी वार्म इन समर। ओके, इसके अलावा वूलन जो होती है, वूलन क्लोथ जो होते हैं एनिमल फाइबर से बनती है। ओके, यानी कि वूलन क्लोथ्स आर मेड बाय एनिमल फाइबर एंड एनिमल फाइबर इज वार्म इन विंटर। यानी कि जो एनिमल फाइबर होती है ये विंटर में गर्म रहती है। ओके, यानी कि क्लोथ कॉटन के जो क्लोथ होते हैं ये गर्मी में गर्म रहते हैं और जो वूलन के कपड़े होते हैं ये विंटर यानी सर्दी में आपके गर्म रहते हैं, यानी वार्म इन विंटर। ओके स्टूडेंट्स, अगला आता है भाई सपोज आप हॉट एंड कोल्ड, किसी भी हॉट एंड जगह कोल्ड जगह पे आप जाते हो तो इसको आपको कैसे अनुभव होता है, सेंस ऑफ टच, यानी कि आपको अनुभव हो जाता है। ओके, इसके अलावा जो हॉट एंड कोल्ड होता है यानी कि हॉटर देन अदर और कोल्डर देन अदर, भाई आप किसी से तुलना करके करते हो ना। भाई सपोज कीजिए आपको फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में। ओके, यानी कि आप अपनी कंपेयर किससे करते हो, उससे, यानी कि आप कमजोर हो, यानी कि आप कैसे हो, वीक हो पढ़ाई में, ये आपने कैसे पता लगाया, दूसरे को देख करके। यानी आपका कोई अदर फ्रेंड है वो क्या इंटेलिजेंट है, उसकी परसेंटेज अच्छी बनती है। ओके, और आपकी परसेंटेज कम बनती है। अब आपने अपना अनुभव कैसे लगाया, आपने अपना आइडिया कैसे लगाया उसको देख करके, यानी आपने कंपेरिजन करा ना। ओके, इसी टाइप से आप वाटर का यानी कि किसी भी गर्म जगह और ठंडी जगह का आप अनुभव करते हो कि भाई ये जगह गर्म है, आपने किस तरीके से उसका कंपेरिजन किया, कंपेरिजन आपने कोल्ड के अकॉर्डिंग किया ना, भाई जितना ज्यादा कोल्ड है और ये कितना हॉट है, तो उसने आपकी कैसे करी, आपने उसकी कंपैरिजन करके नहीं तो पता लगाया। ओके, यानी कि हॉटर देन अदर, यानी दूसरे से पता लगाया कि दूसरे ज्यादा हॉट है। इसके अलावा कोल्डर देन अदर, यानी दूसरे से ज्यादा ठंडा है। ओके, ये आपने किस तरीके से करी, कंपैरिजन करके। ओके, इसके अलावा ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज, यानी कि एक ऐसी डिवाइस, ओके, एक ऐसी डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर को नोट करते हैं। एक ऐसी डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं कि भाई इसका टेम्परेचर ये है, तो उस टेम्परेचर मीजर को क्या बोलते हैं हम, थर्मोमीटर। यानी कि थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट का हम क्या लगाते हैं, उसका टेम्परेचर नोट करते हैं, टेम्परेचर का पता लगाते हैं, और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमने क्या पढ़ा, कॉटन की जो क्लॉथ्स होते हैं ये आपके वार्म होते हैं इन समर में। इसके अलावा जो आपके बोल सकते हैं वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं ये आपके वार्म रहते हैं इन विंटर में, यानी सर्दी में गर्म रहते हैं। ओके, फिर हमने देखा था कि हॉट एंड कोल्ड के बारे में, या पता कैसे लगाते हो, सेंस करके, अनुभव करके। ओके, अब आप हॉट की तुलना किससे करते हो, भाई हॉट की कंपैरिजन आप अदर से करते हो, वाटर देन अदर, इसी तरीके से आप कोल्ड की करते हो, यानी कोल्डर देन अदर, यानी किसी भी चीज की अगर आपको कंपैरिजन करनी होती है, यानी कंपैरिजन करनी होती है, तो आप किससे करते हो, दूसरे से करते हो, तब तो आपको पता लगता है भाई उससे ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा बुरा है। ओके, दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके पता लगता है। ओके, इसके अलावा ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज टेम्परेचर, यानी कि ये चीज किसी भी चीज पे, यानी किसी भी रिलेबल मेजर करते हो हॉटनेस का, तो वो ऑब्जेक्ट का जो आप हॉटनेस का मेजर करते हो उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी टेम्परेचर से आप क्या पता लगाते हो उसके हॉटनेस के बारे में, और ये टेम्परेचर आप किससे मेजर करते हो, एक डिवाइस से मेजर करते हो जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बेसिकली हमने नॉर्मल आज बात की है,
कि भाई हॉटनेस ऐसी होती है और हीट की अपन कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है इसको थर्मोमीटर से हम नोटिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।